क्वेश्चन है, x के पावर n प्लस 1 का एक गुणनखंड है x प्लस 1, तो n निश्चित रूप से क्या है? ऑप्शन है विषम पूर्णांक, सम पूर्णांक, ऋण पूर्णांक एवं धनात्मक पूर्णांक। देखिए x के पावर n है प्लस 1 है, इसका गुणनखंड क्या है? गुणनखंड है x प्लस 1। x प्लस 1 बराबर हम 0 अगर मान ले तो x बराबर क्या होगा? माइनस 1। तो देखिए x बराबर माइनस 1 रखते हैं हम, माइनस 1 के पावर n प्लस 1, तो n क्या होगा यहाँ पर देखिए, अगर n बराबर हम 1 लेते हैं, 1 लेते हैं तो यहाँ पर 1 का पावर 1 यानी माइनस होगा, अगर 2 लेते हैं तो प्लस आ जाएगा, देखिए माइनस 1 है, अगर हम पावर 1 लेते हैं तो क्या होगा, 1 का पावर 1 यानी 1 माइनस 1 होगा और यहाँ पर प्लस 1 यानी 0 हो जाएगा। अगर यहीं पर हम 2 लेंगे माइनस 1 और यहाँ पर 2 लेते हैं और प्लस 1 है, माइनस 2 लेते हैं तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस 1 माइनस माइनस 1 गुणे माइनस 1 बराबर क्या होता है? 1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए हम सम यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जब लेंगे यहाँ पर क्या लेंगे? विषम लेंगे, विषम संख्या 1 लेंगे, 3 लेंगे, 5 लेंगे, 7 लेंगे तो माइनस आएगा, ठीक है, तब इसका पालन करेगा यानी माइनस आएगा। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं इसके आंसर? ऑप्शन ए बोल सकते हैं, एक विषम पूर्णांक है।